क्या ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, देखिए कितने सुविधा से, कितने कन्वीनियंस के हिसाब से इन्होंने सलमान खुर्शीद जी के बयान को डिसोन कर दिया। ताजुब होता है, पूरे देश के सामने आप ये स्वीकार तक करने को तैयार नहीं है। देखिए दीपक जी, मुझे समस्या तब होती है जब विपक्ष देश के अंदर महागठबंधन बनाता था, अब इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ इंटरनेशनल लेवल पे महागठबंधन बन रहा है। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार, कैसे कैसे लोगों के साथ ने गठबंधन किया है। क्या ममता बनर्जी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या सलमान खुर्शीद, क्या दिग्विजय सिंह, क्या पी चिदम्बरम, सब ने कहा था दिल्ली पुलिस के शौर्य को, दिल्ली पुलिस के शहादत को आपने सवाल खड़ा किया था, अपमानित किया था आपने उस परिवार को, उस महिला को जो विधवा हो गई थी, उन बच्चों को जो अनाथ हो गए थे। आज आपको देश के सामने आज मौका मिला है, आज कम से कम एक शब्द बोल दीजिए आप। आज आपसे एक शब्द नहीं निकलेगा, आपकी आंख के आंसू सूख गए हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। आप माफी नहीं मांग सकते हैं पूरे देश के सामने, ये शो पूरा देश देखता है। राधिका जी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, बहुत लंबा समय लग गया है, कल साकेत कोर्ट का यह निर्णय आया है, आज उस परिवार पे क्या बीती होगी पिछले 12 वर्षों में आप कल्पना कर सकती हैं? तुष्टीकरण के नाम पे आप दोहरे मापदंड के हर रोज नए कीर्तिमान बनाते हैं और अगले ही दिन उस कीर्तिमान को ध्वस्त भी कर देते हैं। लगातार आप इतिहास की बात करती हैं। 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विधिवत किसने किया था? आप लोगों ने सेटेनिक वर्सेस को, जो पूरे दुनिया में कहीं बैन नहीं हुआ था, उसको बैन किसने किया था? मौलानाओं के दबाव में भारत में आप लोगों ने। उसके बाद 2007 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों ने लगातार की है, हर रोज आप नए दोहरे मापदंड के कीर्तिमान बनाते हैं और ध्वस्त करते हैं। आज समय मिला है आपको पूरे देश के सामने आत्ममंथन करिए। आप लोग वैसे भी हाशिए पे चले गए लोग हैं, आत्ममंथन करना चाहिए और तुरंत अपने हिसाब से आप बयान को पलट देते हैं। सलमान खुर्शीद के बयान को आप आज नकार रहे हैं। दीपक जी, पुराने